कर्नाटक को लेकर बीजेपी की क्या है तैयारी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करके क्या संदेश दिए जाने की है कोशिश और आगे का क्या है एजेंडा, तमाम सवालों पर गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। स्टे नहीं लगाया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रही है, तब तक अमल करने के लिए ना बोला है, परंतु धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, संविधान सम्मत नहीं है। निश्चित रूप से हमारा विजय होगा। कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुस्लिम आरक्षण को लाने के लिए कोर्ट में गई है, मगर मुझे पूरा भरोसा है हम जीतेंगे। और यहाँ पर आरक्षण पर जिनका अधिकार है, ओबीसी, पिछड़े, दलित, वोकलिगा और लिंगायतों को आरक्षण मिलेगा। देखिए, आने के सवाल ही नहीं है, कहाँ से देंगे। भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देंगी। हमारा कमिटमेंट है इस देश में गैर संवैधानिक रूप से कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से लगातार शंखनाद किया जा रहा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, लेकिन सवाल पलटकर गौरव भाटिया जी, बीजेपी से यह भी पूछा जाएगा कि जब चुनाव सिर पर है तब अचानक से बीजेपी को आरक्षण हटाने की याद क्यों आन पड़ी? गौरव भाटिया जी, चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर संवैधानिक दृष्टि से कोई किसी ने गलत कृत्य किया है तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए, और मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, 3 दशक पहले ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए ये रिजर्वेशन रखा गया, उसका अगर सुधार हो रहा है तो ये ऐतिहासिक है। और सभी दर्शकों को ये जानना चाहिए, आप हर कार्यक्रम में देखती हैं, यही कांग्रेस पार्टी, AIMIM, समाजवादी पार्टी, TMC बार बार कहती है सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान की आत्मा है। अब आप मुझे बताइए, अगर पंथ निरपेक्षता संविधान की आत्मा है तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे हो सकता है? दूसरी बात, मैं दर्शकों के लाभ के लिए अनुच्छेद 16 और खासकर इसमें 16-2 पढ़ना चाहूंगा। ये क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ठीक है, और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो ये हमारा संविधान कहता है। तो सवाल आज ये पूछा जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जो हमारा है उसके आधार पर एक जो भूल की थी कांग्रेस पार्टी ने उसका सुधार किया जा रहा है, जो संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है, तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? ठीक है, जैसे ही कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उसके पहले वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं दर्द क्यों हो रहा है संविधान में धर्म के आधार पर अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इसको लेकर आया गया तो संविधान की रक्षा कर रही है बीजेपी, इस पर तो खुश होना चाहिए आप लोगों को, वारिस जी। अरे बीजेपी तो संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रही है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और जाओ पसमांदा मुसलमानों को नजदीक लाओ, उनसे जाके मिलो, मगर यहां तो देखा जा रहा है कि आप तो रिजर्वेशन ही खत्म करना चाहते हो। कर्नाटका में आपने जो 4% रिजर्वेशन था उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर फटकार लगा दी, रोक लगा के रख दिया। अब वहीं पर अमित शाह ने तेलंगाना के अंदर जाके बोल दिया कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जो कि आने वाली तो है नहीं, तो हम रिजर्वेशन को मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा देंगे। मैं पूछना चाहूंगा अमित शाह साहब, आप थोड़ा ज्ञान ले लो, आपके पास तो बड़े बड़े वकील प्रवक्ता बन के भी बैठे हुए, उनसे भी पूछ लो। हमने रिजर्वेशन रिलीजन की बुनियाद पे नहीं मांगा है। रिलीजन ओबीसी कैटेगरी में जो मुसलमान है उसको मिला है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के ऊपर। क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट है, सुधीर कमीशन का रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लो। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर मुसलमान है जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हाँ। तो उस बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हैं। यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है, वहां पर 80 लाख मुसलमान है और सभी को अगर इस 4% के दायरे में लेकर आया गया, सभी तो पिछड़े हैं नहीं, सभी के लिए ये व्यवस्था है ना, जो बीजेपी कहती है। वारिस पठान जी, आप सुनिए, नहीं
अरे आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? बीजेपी गौरव भाटिया ने जवाब दो ना, मुसलमान इस देश का हिस्सा है, हमारे लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जाने गंवाई, देश आजाद हुआ, आज आप पूरी तरह से नफरत फैला रहे हो। कभी आपको हमारे हिजाब से नफरत, मदरसों से नफरत, रिजर्वेशन से नफरत, आप क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान भी पढ़ लिख के बड़ा बने, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बने? चित्रा जी, वारिस पटेल अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, मैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा हूं जिस माँ बाप का अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख के बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, देश के नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे। ठीक है, ये लोग चाहते नहीं है ये रिजर्वेशन, मुसलमान किसी भी तरह इनको नीचे रखना। अरे महाराष्ट्र में भी तो इनकी सरकार है, सुनिए चित्रा जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है बीजेपी की। मुंबई की उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दो, क्यों नहीं देते हैं लोग रिजर्वेशन एजुकेशन के? तो चलिए बताइए मुझे। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके सवालों पर। वो कह रहे हैं बीजेपी को मुसलमानों से इतनी चिढ़न क्यों होती है? गौरव भाटिया जी, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। गौरव भाटिया जी, वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए देखिए चित्रा जी, इनकी पार्टी के तो जो बैरिस्टर है वही शरियास्टर है, वो संविधान पढ़ते ही नहीं है, वो तो केवल और केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने अनुच्छेद 16 पढ़ा और अधिवक्ता है वारिस भाई मेरे साथी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं एक अनुच्छेद 15 भी पढ़ देता हूँ और संविधान का भारत के ही पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान का नहीं या सऊदी अरेबिया का नहीं। सुनिए, धर्म मूल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, प्लीज प्लीज शांत शांत, पढ़ने के लिए है, ये टेबल पे रखने के लिए नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। एक एक करके, ये अनुच्छेद 16 पढ़ने के बाद अनुच्छेद 15 पढ़ रहा हूं, सारे दर्शक सुन रहे हैं। धर्म मूल वर्ण जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये क्या कहता है? धर्म के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं आरक्षण और कोई भेदभाव, लेकिन इस पे ये उत्तर नहीं देंगे। और देखिए, अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये लोग जो आते हैं। इन्होंने क्या बोला, मुस्लिम जो आरक्षण पाते हैं वो क्योंकि आर्थिक तौर पे कमजोर है और गरीब है। चित्रा जी आपने भी सुना होगा, लेकिन इनको ये भी जानकारी नहीं है कि मुसलमानों को 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण है उसमें दिया जा रहा है, उस कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये फिर क्यों दर्द हो रहा है? आपने खुद ही कहा वो आर्थिक तौर पे कमजोर है। और एक मेरा सवाल है, वारिस जी के पास जाइएगा आज इस चैनल पे, इनसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। ठीक है, एक एक करके आ रही हूं, वारिस जी आपके पास भी आ रही हूं, निजाम फौजदार जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, एक एक करके गौरव जी की बात पहले पूरी। मैं सवाल गौरव भाटिया जी, हाँ चित्रा जी, देखिए मेरा पहला सवाल जो दर्शकों ने भी पूछा होगा और जनता के मन की बात है, आप कहते हैं पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है, संविधान की आत्मा है, आज पद निरपेक्षता का क्या होगा जब आरक्षण धर्म के आधार पर होगा? दूसरे नंबर का सवाल यह है, एएमयू में जो एससी एसटी है भाई बहन, उनको आरक्षण नहीं मिलता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज आप आज तक पे बोलिए उनको मिलना चाहिए, आपकी पार्टी ये मांग उठाएगी, बैरिस्टर ओवैसी ये मांग उठाएंगे, बोलिए चलिए जल्दी से। वारिस पठान जी उनके सवाल पर जवाब दीजिए, निजाम जी उसके बाद रिलीजन की सुनिए, फिर मैं मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया को ज्ञान देना चाहता हूं। आप पढ़ते हो, हम तो पढ़ के इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और प्रॉपर वर्ड टू वर्ड इसका हम आपको जवाब दे सकते हैं, देते भी है। रिलीजन के बुनियाद पे कौन रिजर्वेशन मांग रहा है? सुधीर कमेटी, क्रिश्चियन कमेटी का रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ा क्या? उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के अंदर ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जो बैकवर्ड क्लास है सोशली और इकोनॉमिकली, रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए, 4% रिजर्वेशन उनको मिलता है। तेलंगाना की असेंबली ने 12% रिजर्वेशन पास किया है जो अमित शाह के ऑफिस में पड़ा हुआ है, आज तक उसको आप लोग क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? महाराष्ट्र में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे दो, क्यों नहीं देते? अरे आप मुसलमानों से इतना घृणा और इतनी दुश्मनी क्यों रखते हो, क्यों नफरत करते हो? यही तो उत्तर है। आर्टिकल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत क्यों करती है, ठीक है सर, इंप्लीमेंट भी कर